हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्जाम बिगिनर। उम्मीद करता हूँ आप लोग सही होंगे। देखिए, आज की जो हमारी रिक्रूटमेंट रहने वाली है वो है हमारी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर की रिक्रूटमेंट आई हुई है, नंबर ऑफ द पोस्ट कितनी है, किस किस टाइप की यहाँ पे प्रोफाइल है, क्या एलिजिबिलिटी मांगी, कौन सी लास्ट डेट है, कितना यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की कॉस्ट आएगी, क्या यहाँ पे एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, किस तरह से हम यहाँ पर एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ये भी हम सब यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। देखिए, मैं मेरी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाकर, बट आप अपनी ड्यूटी बिल्कुल भी पूरी नहीं कर रहे हो सब्सक्राइब बटन और लाइक बटन ना दबाकर। तो प्लीज अपनी ड्यूटी पूरी करें, आप भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बाकी लोगों में शेयर करें। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम सब जान लेते हैं। तो जैसा कि ये सेंट्रल बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर की रिक्रूटमेंट निकली हुई है, यहां पर आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसी आपकी ओनली 115 है। अब जिसकी भी एलिजिबिलिटी होगी वो जरूर अप्लाई करना, नंबर ऑफ सीट पर बिल्कुल भी मत जाना। सो इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे ये कि आपका ये 23/11 से एप्लीकेशन फॉर्म लाइव हो चुके हैं और जो लास्ट डेट है वो आपके 17/12 यानी 17 दिसंबर तक आपकी एप्लीकेशन फॉर्म चलने वाली है। जो आपकी फी लास्ट सबमिट डेट वो भी 17/12 है। एडमिट कार्ड है वो आपका 11/1 से अवेलेबल होने की उम्मीद है, यानी आपका जनवरी में 11 जनवरी को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और यहाँ पर जो आपके एग्जाम डेट है वो भी डिक्लेयर किया हुआ है, यहाँ पे 22 जनवरी को आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। अब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो फीस आपकी ओबीसी जनरल कैटेगरी में यहां पर ₹850 लगने वाली है और एससी एसटी और फिजिकल कैंडिडेट के लिए यहां पर ओनली ₹175 फीस देखने के लिए मिल रही है। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, मोबाइल वॉलेट, ये तो आप सब जानते हैं कि आप यहां से इसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आगे हमारा जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एज लिमिट है वो आपकी 30/9/2021 को काउंट की जाएगी, यानी आप 30 सितंबर वाले दिन आप 20 साल से कम नहीं होने चाहिए और 45 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए। यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वो आपका एज रिलैक्सेशन का रूल एप्लीकेबल रहेगा। अब बात कर लेते हैं आपकी यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी के बाद टाइप ऑफ द वैकेंसी कौन सी है, किस तरह की है। देखिए, वो है आपकी यहाँ पे जो फर्स्ट पोस्ट हमें दिख रही है वो है इकोनॉमिस्ट की, यानी एजीएम प्रोफाइल है, वो आपके सिंगल सीट देखने के लिए मिल रही है। इसमें आपके पास पीएचडी डिग्री विद 5 ईयर्स एक्सपीरियंस रहना चाहिए, मैक्सिमम जो आपकी एज है वो 45 यहाँ पर रहनी चाहिए। इनकम टैक्स ऑफिसर की नेक्स्ट है यहाँ पर स्केल 5 दिख रही है और सिंगल सीट मिल रही है। सीए चार्टेड अकाउंटेंट विद 10 ईयर्स एक्सपीरियंस आपके पास हो और मैक्सिमम इज 45 यहाँ पे बताई हुई है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो भी यहाँ पे पोस्ट निकली हुई है सिंगल सीट है यहाँ पे। बैचलर और मास्टर डिग्री आपके पास 10 साल एक्सपीरियंस के साथ रहनी चाहिए। साथ ही डेटा साइंटिस्ट है आपके पास जो कि सीएम लेवल में स्केल 4 सीट नजर आ रही है सिंगल, वो मैं आपके पास मास्टर डिग्री विद 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस एटलीस्ट रहना चाहिए। देन क्रेडिट ऑफिसर, क्रेडिट ऑफिसर में आपके पास यहां पर 10 सीटें देखने के लिए मिल रही है जिसमें आपके पास यहां पर सीए, सीएफए, एसीएमए और एमबीए विद 3 ईयर्स एक्सपीरियंस आपका यहां पे रहना चाहिए एटलीस्ट। आगे और देखते हैं कौन कौन सी प्रोफाइल है। नेक्स्ट है हमारी डेटा इंजीनियरिंग एसएम स्केल 3rd, यानी यहां पे हमें जो टोटल पोस्ट मिल रही है वो 11 सीटें देखने के लिए मिल रही है डेटा इंजीनियर के लिए। उसमें भी आपके पास मास्टर डिग्री विद 5 ईयर्स एक्सपीरियंस रहना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा आईटी सिक्योरिटी एनालिस्ट की जो पोस्ट है वो सिंगल पोस्ट हमें देखने के लिए मिल रही है, वहां पे आपके पास बीई या बीटेक डिग्री इन इंजीनियरिंग रिलेटेड ट्रेड में आपके पास एटलीस्ट 6 साल का एक्सपीरियंस हो। देन है आपका आईटी एसओ सी एनालिस्ट, यहाँ पे आपका स्केल 3rd है, नंबर ऑफ सीट 2 है यहाँ पे, बी बीटेक इंजीनियरिंग डिग्री इन रिलेटेड ट्रेड विद 6 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर है। आगे नेक्स्ट है हमारे रिक्स मैनेजर, रिक्स मैनेजर में स्केल 3rd है आपकी, टोटल पोस्ट आपकी 5 है यहाँ पे, एमबीए डिग्री विद 3 ईयर्स एक्सपीरियंस रिक्वायर है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा टेक्निकल ऑफिसर जो कि क्रेडिट एसएम स्केल 3rd रहने वाला है, नंबर ऑफ जो यहाँ पे टोटल पोस्ट है वो 5 है यहाँ पे, बीई बीटेक इंजीनियरिंग डिग्री रिलेटेड ट्रेड विद 3 ईयर्स एक्सपीरियंस एटलीस्ट आपसे रिक्वायर है। नेक्स्ट आगे और देख लेते क्या दिया है। वो आगे जो अपनी पोस्ट है वो है आपकी फाइनेंशियल एनालिस्ट या मैनेजर स्केल 2nd, जिसमें टोटल पोस्ट हमें 20 देखने के लिए मिल रही है। सीए आपके पास 100 यहाँ पे, अदरवाइज एमबीए विद 3 ईयर्स एक्सपीरियंस रहनी चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजर स्केल 2 की हमें यहाँ पे पोस्ट देखने के लिए मिल रही है, उसमें भी नंबर ऑफ सीटें 15 है। बीई बीटेक इंजीनियरिंग डिग्री इन रिलेटेड ट्रेड आपके पास एटलीस्ट 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। लॉ ऑफिसर मैनेजर स्केल 2, वहां पे भी आपकी 20 सीटें देखने के लिए मिल रही है। बैचलर डिग्री इन लॉ एलएलबी विद 3 ईयर्स एक्सपीरियंस एटलीस्ट आपके पास यहाँ पे रहना चाहिए। देन जो नेक्स्ट है आपकी वो रिक्स मैनेजर जो कि स्केल 2 है आपकी, नंबर ऑफ सीटें 10 है, एमबीए पीजी डिप्लोमा इन रिलेटेड ट्रेड विद 2 ईयर्स एक्सपीरियंस एटलीस्ट यहाँ पे रिक्वायर है आपसे। लास्ट है हमारी सिक्योरिटी मैनेजर स्केल 2, यानी यहां पर आपकी नंबर ऑफ सीटें 3 है और बैचलर डिग्री विद 5 ईयर्स एक्सपीरियंस और एज लिमिट आपकी 26 से 45 ईयर आपकी यहां पे मैक्सिमम एज लिमिट दी हुई है।
लास्ट है हमारी सिक्योरिटी एम स्केल 1, जो कि टोटल सिटी हमें 9 देखने के लिए मिल रही है। बैचलर डिग्री विद 5 इयर्स एक्सपीरियंस है। एज लिमिट आपकी 26 से 45 मैक्सिमम यहाँ पे रिक्वायर है। तो ये थी आपकी जो टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ द प्रोफाइल्स थी, उनके अकॉर्डिंग टोटल सिटे थी, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी डिटेल थी। अब आगे जान लेते हैं हम यहाँ पे आपका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस और सब्जेक्ट क्या रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं आपके एग्जाम पैटर्न और सब्जेक्ट की। देखिए यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसका, वो आपका वन लाइन रिटन टेस्ट होगा और देन आपका होगा यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू। इसमें आपका जो एग्जाम होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन देखने के लिए मिलेगा, यानी कि सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। इसमें क्या होगा कि आपके यहाँ पे तीन सब्जेक्ट मेन होंगे। पहला होगा आपका कैटेगरी स्पेसिफिक क्वेश्चन, जो कि आपका यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट रहने वाला है। अगर सपोज आप टेक्निकल बैकग्राउंड से टेक्निकल में रहेगा, लो स्टूडेंट हो तो लो का यहाँ पे रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 60 आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे यहाँ पे 60 होंगे आपके। जो आपका कॉमन सब्जेक्ट रहेगा हर प्रोफाइल में जो भी आप अप्लाई करोगे, उसमें आपका कंप्यूटर नॉलेज कॉमन रहेगा, जहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 देखने के लिए मिलेंगे, मैक्सिमम मार्क्स भी उसके 20 देखने के लिए मिलेंगे। देन ये कॉमन सब्जेक्ट थर्ड होगा, वो हमारा बैंकिंग, पर्सनल इकोनॉमी, सिनेरियो एंड जनरल अवेयरनेस यहाँ पे रहने वाला है। ये भी आपका यहाँ पर 20 क्वेश्चंस और 20 मार्क्स का आएगा टोटल, यानी आपके 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के होंगे। 60 मिनट्स का टाइम आपको इसे कंडक्ट करने के लिए मिलेगा। यहां पे मैं आपको बता दूं कि पेनल्टी फॉर द रोंग आंसर भी यहां पे एप्लीकेबल है। 0.25 मार्क्स की यहां पे आपको पर रोंग क्वेश्चन पे, रोंग आंसर पे आपको यहां पेनल्टी देखने के लिए मिलेगी। सब कुछ जानने के बाद यानी आपकी लास्ट डेट क्या है, आप कब से अप्लाई कर सकते हैं, क्या फीस है, आपके क्या नंबर ऑफ सब्जेक्ट यहाँ पे है, क्या आपका एग्जाम पैटर्न है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स का है, अब मन में सिर्फ एक ही ख्याल है, वो है कि तैयारी। तैयारी कैसे होगी? सर हम बिगनर्स हैं, हमें कुछ नहीं आता है, हम प्रिपरेशन कैसे शुरू करें? तो मैं देखो इसमें आपकी हेल्प करता हूं कि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि हाउ टू प्रिपेयर में आप सबसे पहले अपना सिलेबस देख ले, जिस प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें सिलेबस क्या है। देखिए सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा, लो स्टूडेंट हो तो लो आपका सब्जेक्ट होगा, अदरवाइज अब जो दो कॉमन सब्जेक्ट है हमारे कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस है, वो तो दोनों में ही सभी प्रोफाइल के लिए यहाँ पे कॉमन रहने वाला है। तो अब आपने अपना सिलेबस आइडेंटिफाई कर लिया, सिलेबस के बाद आप देखिए आपके जो सब्जेक्ट्स है, कौन सब्जेक्ट आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, कौन सा आपका सब्जेक्ट यहाँ पे वीक है। तो वीक सब्जेक्ट के लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि उसको बाद में देखिए, सबसे पहले जो आपका इंटरेस्टेड जिस पे आपकी कमांड अच्छी है उसको जल्द से जल्द सारे कॉन्सेप्ट थ्योरी रिवाइज कर उस पर आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाए और उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को जितना जल्दी हो सके आप उन्हें फिनिश कर ले। देन आप अपने आए नॉन इंटरेस्टेड सब्जेक्ट पे, जो भी आपका सपोज कंप्यूटर अवेयरनेस है या आपका यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज के साथ साथ में आपको जनरल अवेयरनेस है या इकोनॉमिक जो भी है, उसके लिए आप अपने एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी बनाए कि इतना पोर्शन इतने चैप्टर में इतने टाइम में खत्म कर लूंगा, भले ही इसमें मेरा इंटरेस्ट हो या ना हो, बट मुझे ये फिनिश करने हैं, यानी अपना मुझे कवर करने हैं तो कवर करने हैं। तो इन सब को कवर करने के लिए मैं आपको, यानी एग्जाम बिगिनर आपकी इसमें भी कोई ना कोई हेल्प में रोल प्ले करेगा। वो क्या है कि अब आप देखिए यहां पे मैं आपके लिए कंप्यूटर नॉलेज में जो मैं बुक आपको रिकमेंड करूंगा वो होगी आपकी हरियंत की कंप्यूटर अवेयरनेस बुक। इस बुक से आप अपने कंप्यूटर सब्जेक्ट पर बहुत अच्छी कमांड बना पाओगे, क्योंकि यहां पे थ्योरी कॉन्सेप्ट सब देखने के लिए मिलेंगे और अच्छी बात यह है कि यहां पे आपको साथ ही साथ में कंप्यूटर पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर में आपके पेपर में देखने के लिए आए थे। तो कंप्यूटर नॉलेज के लिए आपके पास ये सबसे बेस्ट बुक होगी। अब बात आती है इसको परचेस करने की। देखिए आप जाकर इसके हार्ड कॉपी मार्केट से भी परचेस कर सकते हैं, इसका हमारी वेबसाइट में नीचे स्टोर है यहाँ पे बुक का, वहां पर जाकर भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, इसको परचेस कर सकते हैं। इस बुक का आपको ई बुक यानी इसका एक इलेक्ट्रॉनिक्स वर्जन आपको वहां पे नीचे मिल जाएगा, जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में होगा। मार्केट की बुक से आपको हाफ से भी हाफ रेट में, यानी 1/4 रेट में आपको ये बुक देखने के लिए मिल जाएगी। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर भी आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं। अदरवाइज आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो आप मार्केट से परचेस करके इस बुक के थ्रू अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये थी सारी आपकी कवरेज, जो कि आपका रहने वाला था ये एग्जाम आपका एसओ यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आपका स्पेशलिस्ट ऑफिसर का। अब इसमें आपकी अगर कोई भी क्वेरी होगी प्रिपरेशन को, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग को, किसी भी तरह की, तो आप मुझे नीचे डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का पेज है, उसको भी आप जाके ज्वाइन करें, हमारे व्हाट्सएप है आप उसे जाके ज्वाइन करें। तो कोई भी प्रॉब्लम होगी आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ लेना। मिलते हैं फिर किसी नई अपडेट के साथ, टिल देन बाय बाय।